हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए, जैसा आपको पता है, डेली 8 PM पे एक वीडियो आती है डेली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पटवारी के एग्जाम के लिए। ये फिफ्थ पार्ट है उस वीडियो का, ठीक है। अगर हम बात करें चारों पार्ट की, तो उनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट दे रखी है। उस प्ले लिस्ट में आपको अदर जो चार पार्ट है वो मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो चलते हैं हम आज के इस वीडियो की तरफ। उससे पहले, अगर आपने नए हो आप तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी एजुकेशनल अपडेट रहेगा वो आप तक पहुंचता रहे। और 8 PM पे आपको डेली आना है। अगर किसी भी कारणवश आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तब भी आप जो है 8 बजे एक बार चैनल जरूर चेक किया करें। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन किस जिले में स्थित है, ठीक है। आज इंग्लिश में नहीं हो पाए हैं क्वेश्चन, इसलिए माफ कीजिएगा। डेली जो है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन जो है रखता हूं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन जो है कौन से जिले में है, तो चंबा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चंबा में जो है सबसे ज्यादा वन है हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें राज्य भर, ठीक है, तो कौन से राज्य में जो है सबसे ज्यादा वन है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट रहेगा उसे भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो राज्य भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा वन जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और इस बार जो है क्वेश्चन आया है, जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा देहरादून, उसे भी याद कर लीजिएगा, है कहाँ पे, फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून में है, ठीक है। इसका जो है एग्जाम होता है, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि हमारी वन नीति जो है वो कब अपनाई गई थी, जो पहली फर्स्ट वन नीति थी वो कब बनाई गई थी, तो 1894 आपको याद रखना है, भारत की पहली वन नीति जो है अंग्रेजों ने बनाई थी 1894 में, ठीक है। और इसे संशोधन किया गया 1952 में, 1952 में जो है इसका संशोधन किया गया। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है, आपने नाम सुना होगा रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक का आपने नाम सुना होगा, तो ये कौन सी बुक है। इसमें जो भी दुर्लभ प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ हो पशु हो, जो लुप्त होने की कगार पे है, उनका इसमें विवरण रखा जाता है, ठीक है। उनके बारे में जो है इस बुक में लिखा जाता है, रेड डाटा बुक, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, तो ये है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पार्क है कहाँ पे, तो कुल्लू आपको याद रखना है, कहाँ पे है, कुल्लू में है, ये भी नेशनल पार्क है। पिन वैली भी नेशनल पार्क है, जो कि लोकेटेड है लाहौल स्पीति में। सिंबलवाड़ा भी जो है हमारा नेशनल पार्क है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, सिरमौर के अंदर। और अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर डी क्रेमिका पार्क की, ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये है हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट फूड पार्क, हिमाचल प्रदेश का पहला फूड पार्क है, जो कि लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट ऊना के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, बना था 1984 में, 1984 में जो है बना था, और 2014 आपको याद रखना है, 2014 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है ऐड किया था, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी कालका शिमला रेलवे लाइन है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और पिन वैली नेशनल पार्क, जो कि मैंने बताया लाहौल स्पीति में है, इसे भी जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत का अंतिम शासक राजा कौन था, ठीक है। तो बुशहर रियासत का जो अंतिम शासक राजा था वो था पदम सिंह, ठीक है। पदम देव नहीं होगा यहाँ पे, पदम सिंह कर लीजिएगा, ठीक है। पदम सिंह जो थे वो अंतिम शासक राजा थे बुशहर रियासत के, ठीक है। इनके दो बेटे थे, अगर हम बात करें आगे, तो एक थे वीरभद्र सिंह, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक थे देवेंद्र सिंह, ठीक है। वीरभद्र सिंह से भी काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है इनका हिमाचल में, ठीक है। वीरभद्र सिंह आपको याद रखना है, इनका जो कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा रहा है एज अ CM ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलिए, देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओबेरॉय क्लार्क नामक ए ग्रेड होटल जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो शिमला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिमला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है, 1913 से 14 में जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी, उसका निर्णय जो है वो कहाँ लिया गया था, ठीक है। मैकमोहन रेखा आपको पता है किस किस के बीच में है, भारत और चीन के बीच में, ठीक है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, जब एक खींची गई थी, तो इसका निर्णय लिया गया था शिमला के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सीमाओं से क्वेश्चन आते हैं, सीमाएं आप याद कर लीजिएगा,
भारत और चीन के बीच में मैंने बता दिया आपको मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ आपको याद रखना है, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डुरंट रेखा, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंट रेखा। अब चीन के बारे में बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग आपको याद रखनी है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। अच्छा, अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे अफगानिस्तान की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया, ठीक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसे जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया, हिमाचल के किस व्यक्ति को, तो ये दिया गया आपके अशोक तिवारी को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजय ठाकुर को कौन सा दिया गया अभी हाल ही में, इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, इन्हें दिया गया अर्जुन अवार्ड। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय पुलिस पदक की, तो ये दिया गया अशोक तिवारी को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कब घोषित किया गया था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बनी थी हमारी कब, 2017 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, इन्होंने जो है दूसरी राजधानी बनाया था धर्मशाला को, तो 2017 आपको याद रखना है, ये हमारी सेकंड राजधानी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। पहाड़ी दिवस हम कब मनाते हैं, जो आपको याद रखना है, कब मनाते हैं, 1 नवंबर को जो है पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ऑप्शन से बात करें तो 25 जनवरी कौन सा डे मनाया जाता है, तो वोटर डे आपको याद रखना है, ठीक है। तो वोटर डे जो है मनाते हैं 25 जनवरी को, और 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है, जल दिवस होगा या फ्रेश डे होगा, इसमें कंफर्म नहीं हूँ, या तो जल दिवस होगा या फ्रेश डे होगा, दोनों पास पास मनाए जाते हैं। 22 मार्च को याद ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, और 7 अप्रैल को मनाते हैं हम स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। 22 मार्च का कंफर्म कर लीजिएगा आप, या जल दिवस मनाते हैं या फ्रेश डे मनाते हैं इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकुंड झील किस जिले में स्थित है, ठीक है। सरकुंड जो लेक है वो कौन से जिले में स्थित है, देखिए मैं जल्दी से एक वीडियो लेके आऊंगा जिलों की ट्रिक की, ठीक है। जितने भी हमारे जिले हैं उनमें कौन कौन सी जिले हैं, कौन कौन सी लेक्स हैं, उनकी ट्रिक की, ताकि आपको जो है एक बारी में सारी जिले याद हो जाए। तो सरकुंड लेक है हमारी कुल्लू के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। 25 जनवरी 2019 को हिमाचल ने अपना कौन सा राज्योत्सव मनाया, ठीक है। आपको पता है 25 जनवरी 1971 को हमें जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। तो हमने जो है अब तक कौन सा अपना जो है राज्योत्सव मनाया, तब से हम अपना राज्योत्सव मनाते हैं, तो इस बार जो हमने बनाया वो बनाया 49वां, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 साल पूरे हो गए हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले हुए, तो 49वां हमने मनाया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हिमाचल प्रदेश में कितनी उपबोलियां हैं, ठीक है, कितनी उपबोलियां हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ये है 36, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोका, ठीक है, कब अपनाया गया था, अशोका जो है वो कब अपनाया गया था, ये आपने बताना है। तो ये बनाया गया था 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1950 है हिंदी में, जो प्योर हिंदी है उसमें लिखा गया है 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, हमारा जो नेशनल चिन्ह है ये लिया कहाँ गया है, तो अशोक के सारनाथ स्तंभ से, ठीक है, सारनाथ का जो पिल्लर है वहां से लिया गया है। इसमें 4 शेर है लेकिन हमें 3 ही जो है दिखाई देते हैं, और इसका जो चिन्ह है इसके नीचे लिखा रहता है हमारा सत्यमेव जयते, ठीक है, जो स्तंभ के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते हमारे चिन्ह के नीचे, वो कहाँ से लिया गया है, वो दिया गया है मुंडको उपनिषद से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो है डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, बंदरगाह को इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट, ठीक है। तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है, पोर्ट है, वो है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। अच्छा, विशाखापट्टनम है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश क्या था, भाषा के आधार पे बना पहला राज्य, ठीक है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। मैं हर बार आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को लिंक करके याद कीजिएगा, कभी आपको भूलेंगे नहीं। तो तेलुगु जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को।
अच्छा, अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट सॉरी पोर्ट की, ठीक है, बंदरगाह की, सबसे बड़ा पोर्ट तो यह है मुंबई। अगर गहरे की बात करें तो विशाखापट्टनम, अगर सबसे बड़े की बात करें तो ये है मुंबई। और ये दोनों जो है नेचुरल है, ठीक है, दोनों कैसे हैं, नेचुरल है, दोनों बंदरगाह नेचुरल है। अगर हम बात करें कृत्रिम की, सबसे बड़ा कृत्रिम तो ये है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कौन सा है, कृत्रिम यानी मैनमेड है, सबसे बड़ा मैनमेड पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है, ठीक है, ये बुक जो है मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है, तो ये लिखी आपकी सलमान रशदी ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें ऑप्शन से तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेमस है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, काफी टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। अगर हम बात करें खुशवंत सिंह की तो इन्होंने लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी पूछी जाती है। और अरुण जेटली के मैंने भी हाल आपको बताई थी एक मन की बात, ठीक है, मन की बात, ये भी इन्होंने लिखी है। और एक और है इनकी जो काफी टाइम एग्जाम में पूछी जाती है तो वो है अंधेरे से उजाले की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, ठीक है, ये भी काफी फेमस है इनकी, जो भी आपको याद रखनी है, सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मछली पालन को क्या कहते हैं, ठीक है, मछली पालन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बच्चों को, क्योंकि इसमें आज मैंने इंग्लिश में नहीं इंक्लूड कर रखा है, तो आप नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं जरूर इंग्लिश में भी जो है करवाऊंगा। तो अगर हम बात करें एपीकल्चर की, ठीक है, एपीकल्चर नहीं होगा, एपीकल्चर होगा है तो ये मधुमक्खी के पालन को हम क्या कहते हैं, मधु मक्खी के पालन को कहते हैं हम एपिकल्चर, ठीक है। और सेरिकल्चर की बात करें तो रेशम कीट, ठीक है, रेशम कीटों का जो पालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर, ये भी आपको याद रखना है। पिसिकल्चर मैंने बता दिया, मछली पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 16 सितंबर, अभी हाल ही में जो है 16 तारीख को हम ओजोन डे मनाकर हटे हैं। अच्छा, ओजोन का जो है फॉर्मूला पूछा जाता है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या से किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो O3 आपको याद रखना है, ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2, तो ओजीएन को लिखते हैं O3, ठीक है। इसमें जो है ऑक्सीजन के तीन अणु होते हैं, तीन मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, ऑप्शन से बात करें तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 14 सितंबर, इस दिन हम क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 27 सितंबर की मैं अगर बात करूँ तो 27 सितंबर को जो है हम क्या बनाते हैं, पर्यटन दिवस, ठीक है, पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। और 8 सितंबर को लिटरेसी डे, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे, ठीक है। और हिमाचल की लिटरेसी रेट कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 82.80%, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का प्रेरणता माना जाता है, ठीक है, चिपको आंदोलन का जो है प्रेरणा किसे माना गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा को, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये चिपको मूवमेंट जो था ये था क्या, ठीक है, ये पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, 1973, ठीक है, 1973 में जो है शुरू किया गया था, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि पड़ती आपकी कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था 1973 से, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है, त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको याद रखना है, यहाँ के सीएम है। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस विषय से है, ठीक है, बलवंत राय मेहता जो समिति है वो कौन से विषय से डील करती है, किस विषय से उसका संबंध है, तो यह है पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो कहाँ मिलती है हमारे को, संविधान के अंदर, तो 73वें संशोधन के अंदर जो है इसे ऐड किया गया है, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, ठीक है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक हुई आपकी जलंधर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जलंधर में द ए वाला आएगा, ठीक है। तो इसकी जो है थीम एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, थीम आप याद कर लीजिएगा, थीम क्या थी, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
और ओजोन डे अभी हमने डिस्कस किया, तो ओजोन डे की भी अगर हम आपसे थीम पूछे तो आपको याद रखना है 32 ईयर एंड हीलिंग, ठीक है, 32 ईयर एंड हीलिंग आपको याद रखना है, जो कि ओजोन डे की है। और जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक हुई, इसकी थीम क्या है, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ठीक है, तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध है ग्रीन हाउस गैस से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस से भी मेन क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मेन क्वेश्चन है कि मेन गैस कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैस की, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। अच्छा, CO2 को ही हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ, जिसे हिंदी में कह लीजिए आप। पूछा जाता है कौन सी गैस को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो CO2 आपको याद रखना है, मेन गैस है ग्रीन हाउस गैस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है, इमेज जो बनती है हमारी आंख के ऊपर, ठीक है, कोई भी वस्तु अगर हम देखते हैं तो उसकी इमेज जो है कहाँ पे बनती है, कौन से पार्ट पे बनती है हमारी आंख के, तो ये बनती है रेटिना के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कॉर्निया की, तो जब भी हम नेत्रदान करते हैं, ठीक है, किसी भी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मरने के 6 घंटे के भीतर उसकी आंखें दान हो सकती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कौन सा हिस्सा जो है दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया आपको याद रखना है, ठीक है, जब भी हम नेत्रदान करते हैं तो कॉर्निया जो है दान में दिया जाता है। और हम बात करें अगर हम स्पष्ट दूरी की, एक मनुष्य के लिए जो है स्पष्ट दूरी कितनी होती है देखने के लिए, तो 25 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आपके और उस बुक के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, आपकी आंख और उस बुक के बीच में, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि एक स्पष्ट और सामान्य दूरी है। इससे अगर आप नजदीक देखोगे तो आपकी आंखें जो है जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान किस दिन शुरू हुआ था, ठीक है, कौन से डे जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, ठीक है, गांधी जयंती के ऊपर शुरू हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को। अच्छा, अभी जो है पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, सुंदर भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत का नाम चेंज कर रखा गया है सुंदर भारत, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें सबसे स्वच्छ शहर की, तो इंदौर, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, हाल ही में ग्रीन आर्मी किसने बनी, ठीक है, किसने बनाई, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, ग्रीन आर्मी जो है किसने बनाई अभी हाल ही में, तो ये बनाई ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी ग्रीन आर्मी है क्या, पर्यावरण को बचाने के लिए जो है एक आर्मी का गठन किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको याद रखनी है कैनबरा। अभी जो है अब पर्यावरण को जो भी प्रदूषित करता है उन प्रदूषण से बचाने के लिए जो है, पर्यावरण को बचाने के लिए इन्होंने एक आर्मी बनाई जिसको नाम दिया ग्रीन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज का, भारत में सबसे ज्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा है, तो यह है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में जो है सबसे ज्यादा तट रेखा लगती है गुजरात की। और बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी क्या है इसकी, गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर आपको याद रखना है, सीएम है करंट टाइम में विजय रूपाणी, ठीक है। और हमारे जो गृह मंत्री है अभी करंट टाइम में अमित शाह, उनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर आपको याद रखना है। और ये क्या है, राजधानी है गुजरात की, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड में, ठीक है, दुनिया में जो है सबसे ज्यादा तट रेखा किस देश की लगती है, तो कनाडा आपको याद रखना है। और गुजरात से आपको एक और बात याद रखनी है, भारत का पहला यानी फर्स्ट जो है डायनासोर पार्क जो है वो कहाँ खोला गया, गांधीनगर गुजरात के अंदर, भारत का पहला डायनासोर पार्क। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि देखने को मिलेंगे आपको आने वाले एग्जाम के अंदर। सो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।